हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूप टॉप गार्डन जैसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ये नया मुर्गा लेके आया हूँ। एक तो ये नया मुर्गा है और दो छोटे बच्चे लेके आया हूँ। वो छोटे बच्चे खेत वाले फार्म पे हैं, तो उनकी वीडियो भी इसी वीडियो में अपलोड होगी लास्ट में। तो पहले आप इस मुर्गे को देख लीजिए। ये 3.5 किलो का मुर्गा है, लगभग 1.5 साल के ऊपर का मुर्गा है, 1.5 से 2 साल के बीच का मुर्गा है ये। तो हाइट अच्छा खासा इसकी हाइट है और वज़न आप समझ सकते हैं लगभग इसका 3.5 किलो के आसपास में वज़न है। मैंने खुद हाथ में पकड़ के देखा है इसको और हाइट देख सकते हैं बाकी मुर्गियों से अच्छी खासी हाइट है। जो पहले वाला सफ़ेद वाला मुर्गा था उससे भी अच्छी खासी इसकी हाइट है और कलर भी बहुत प्यारा है इसका। तो मैं इसको ब्रीडिंग के लिए लेके आया हूँ ताकि ऐसी हमारी नस्ल सभी बन जाए, क्योंकि मुर्गियों की नस्ल तो बहुत अच्छी थी। मुर्गियों की मेरे को ज़्यादा सी अच्छा नस्ल नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार की जो नस्ल मिली है मेरे को, ये वाला मुर्गा बहुत अच्छा मेरे को क्वालिटी का मिला है और नस्ल भी बहुत अच्छी है, सभी कुछ ज़बरदस्त है इसका और प्योर हरियाणा ब्रीड का मुर्गा है। तो मेरे को ये कलर बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं इसी कलर के मुर्गे ज़्यादा रखता हूँ अपने पास में, या फिर प्योर जेड वाइट या प्योर सफ़ेद मुर्गे जो होते हैं वो वाले मैं ज़्यादा रखता हूँ। तो 7 मुर्गियों के साथ में एक मुर्गा रखा हुआ है मैंने, बाजरे का दाना डाला हुआ है, बाजरा डाला हुआ है और इस केज में खोल रखा है। और ये देखिए अंडे के छिलके डाल रखे हैं कैल्शियम के लिए और ये इनका पानी रखा हुआ है। तो सब कुछ इनके पास है, ये रहते हैं मतलब इधर ही पूरा दिन रहते हैं, केज में ही रहते हैं, बाहर इनको निकालता नहीं हूँ मैं। और मुर्गा देख लीजिए आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसके साथ में 2 बच्चे लेके आया हूँ वो बता देता हूँ, और मुर्गा क्या रेट में लेके आया हूँ वो आपको बता देता हूँ। मुर्गा मैं 900 रुपये में लेके आया हूँ ये वाला मुर्गा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्योंकि मैंने 3 इकट्ठे लिए थे तो मेरे को सस्ते मिल गए थे। ये मुर्गी थोड़ा इसके पंख फाड़ रही है तो इसमें थोड़ी कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी के लिए अंडे के छिलके डाले मैंने, एक कुछ दिन में लेवल हो जाएगी कैल्शियम की कमी। और थोड़ा सा नमक दिया है ताकि पंख वगैरह ना फाड़े, तो नमक भी इस पानी में मिला के दिया है मैंने, तो 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है पंख वगैरह नोचने की। जो मुर्गियाँ एक दूसरे के पंख या मुर्गे के पंख नोचते हैं, तो नमक थोड़ा पानी में नमक मिला दीजिए और थोड़ा पानी वगैरह में कैल्शियम देना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैल्शियम तो अंडों से मिल ही रहा है, नमक पानी में दे ही दिया है मैंने। और चलिए साथ में आपको बच्चे दिखा देते हैं, उस केज में बच्चे भी हैं, वो भी कितने बड़े हो गए हैं, और ये मुर्गी के बच्चे भी हैं, ये कितने बड़े हो गए हैं सभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये लगभग 2 महीने के तकरीबन होने वाले हैं, अभी 2 महीने के हुए नहीं हैं। और इनका देखिए, ये देखिए कितने एक्टिव हैं, कड़कनाथ के बच्चे हैं ये वाले, 2-3 कड़कनाथ के हैं देख सकते हैं आप। ये वो अलग, सॉरी वो कड़कनाथ नहीं है, ये वाला और ये वाला कड़कनाथ है। और इसमें लगभग एक वो देखिए वो कड़कनाथ है, वो राख कोने में भागा हुआ है, और एक उस साइड में कौन सा है, चार कड़कनाथ के बच्चे हैं, बाकी प्योर देसी मुर्गी के बच्चे हैं अपने हरियाणा ब्रीड के, इन्हीं के बच्चे हैं। ये काले वाले बच्चे इस मुर्गी के हैं जो बीच बीच में आपको कड़कनाथ के जैसे काले काले दिख रहे हैं, ये देखिए ये रहा, ये बच्चा इस मुर्गी का है, काली वाली का। तो वाइट मुर्गे वाइट भी हैं, सफ़ेद भी हैं, सब कुछ है अपने पास में, सब बहुत अच्छे कलर के हैं। और जितने भी नस्ल अपने पास में निकल के आई है सब बहुत अच्छी नस्ल है। और देखिए ग्रोथ देखिए, एक्टिवनेस देखिए, कितने एक्टिव हैं, ऊपर देखिए कितने ऊपर तक उछल के चले जाते हैं, ऊपर ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और ये देखिए पूरा वज़न भी पूरा ले लिया है और ग्रोथ भी पूरी अच्छी है। और अभी इनको मैं बाजरे के साथ में स्टार्टर फीड मिला के दे रहा हूँ, ये पानी दे रखा है, ये दाना है, और ये अपने बच्चे हैं, लगभग 45 के अराउंड में बच्चे हैं ये। बाकी इनमें से सेल भी हो चुके हैं, पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बताया था, तो वो भाई लेके नहीं गया है अभी। और जो एक पटियाला भेजने वाले थे बच्चे, हम वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के कारण हम नहीं भेज पा रहे हैं, बस में उनका ज़्यादा भाड़ा ले रहे हैं तो इसके कारण हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो इधर ही आके लेंगे। तो उनके लिए हमने बच्चे बचा के रखने हैं, और बाकी जितने बच्चे थे वो सेल आउट हो चुके हैं। अभी मेरे पास में कोई भी बच्चे नहीं है, ये सब देख रहे हैं, ये दूसरे के ही बच्चे पाल रहा हूँ मैं अभी। तो जब तक मेरे पास थे उससे ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ रही है, कोई बीमार वगैरह ना हो जाए, ये सब मेरे को ध्यान रखना पड़ रहा है इनका। तो फीड वगैरह दाना वगैरह देख सकते हैं आप, और एक्टिवनेस देखिए इनकी कितनी बहुत ज़बरदस्त एक्टिव है। और चलिए और अभी ये वाले दिखा दिए आपको, और इसमें भी छोटे बच्चे हैं, लगभग अराउंड कितने 10 दिन के अराउंड में हो गए। अभी होटल पे रहता हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ बच्चों पे, तो मेरे को तो याद भी नहीं है किस मुर्गी के पास में कितने बच्चे हैं और कितने दिन के हो गए हैं। ये देखिए ये भी काली मुर्गी है, इसके भी बच्चे उसी में ही है, ये देखिए प्योर काली मुर्गी है। तो काली मुर्गी मेरे को बहुत पसंद है,
काली और सफ़ेद, ये मुर्गियाँ कलर मेरे को बहुत पसंद रहते हैं। ये बच्चे देखिए 10 दिन के बच्चे हैं, कितने एक्टिव हैं देख सकते हैं आप। इनको प्योर स्टार्टर फीड दे रहा हूँ मैं, और ये देखिए स्टार्टर फीड ये इधर साइड में रखी हुई है, और बच्चों को आप एक्टिव देख लीजिए कितने हैं, पूरे असील के बच्चों से कम नहीं है मेरे प्योर देसी हरियाणा ब्रीड के बच्चे। एक एक ब्रीड को सिलेक्ट करके बनाए हुए हैं मैंने, इन सभी मुर्गियों को एक एक को सिलेक्ट करके, एक एक मुर्गे को सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं, और तभी इनसे ब्रीड बना रहा हूँ, ताकि इनकी जो ब्रीड आने वाले ब्रीड हो, ऐसी ब्रीड हो कि आसपास में किसी के पास ना मिले। हैवी मुर्गी है, पूरी फुल हैवी मुर्गी है, देख सकते हैं आप, लगभग अराउंड 2.5 किलो के आसपास की मुर्गी है, और असील वगैरह कुछ क्रॉस नहीं है फ्रेंड्स, अपने पास प्योर ही मिलेंगे। और ये देखिए ये पहले वाले बच्चे हैं जो कि लगभग अराउंड 3 महीने के होने जा रहे हैं, और ये देख लीजिए बच्चे शायद 2 से 3 महीने के बीच के होंगे, मेरे को अभी याद नहीं है, वैसे मेरी याददाश्त थोड़ी कम ही रहती है, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है मेरी। तो देखिए ये भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, ये सभी के सभी मुर्गे हैं। अभी इन पे बाल आए नहीं हैं, तो कैल्शियम का पानी दिया है मैंने, इन पानी में कैल्शियम मिलाया है, तो अभी इन पे सभी पे बाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। और हाइट वगैरह वजन वगैरह देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी खासी हाइट है इनका, और लंबी गर्दन है फुल। चार ही हैं, दो खेत में हैं, दो मुर्गियां हैं वो, तो ये 6 ही बचे हैं, बाकी सब सेल आउट हो गए थे। और एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, सरप्राइज क्या है देख लीजिए, मतलब कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ, शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में दिखाया नहीं होगा या बताया नहीं होगा। कुछ दिन पहले मैं ये असील के बच्चे लेके आया था, तो इसमें एक तो देसी का बच्चा है और दो असील के बच्चे हैं। ये वाला तो देसी मुर्गी है, का मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी ही है ये, और ये देखिए ये असील के बच्चे हैं, दो प्योर असील के बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए इनको बाहर निकाल के आपको अच्छे से दिखाता हूँ वीडियो पॉज करके। ये देखिए असील के बच्चे देखिए, पूरी पतली टांगे हैं, लंबी गर्दन है, जबरदस्त क्वालिटी के साथ में है, देख ही सकते हैं आप। ये बीट कर दी है, मेरे को ही साफ करनी पड़ेगी, बीट भी कोई बात नहीं है, चलो मैंने चेक कर लिया, बीट सही कर रहे हैं, दोनों सही हैं, कोई पंगा नहीं है। तो इनका आप देख सकते हैं अच्छे से, अच्छी ग्रोथ है फुल। अभी इनका कलर वगैरह तो पता नहीं लगा है क्या कलर आएगा, बाद में बड़े होकर कलर आता है। बाकी असील के बच्चे हैं ये, लगभग 1 महीने के हो गए हैं, और 1 महीने में असील की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो देख सकते हैं आप 1 महीने के बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो है इनकी। अभी थोड़ा ठंड लग रही है इनको, क्योंकि रूम बहुत ठंडा है ये, इनको बाहर नहीं निकालता हूँ मैं, इस डब्बे में रखता हूँ स्टार्टर फीड के साथ में, ये थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर इनको उन बड़े वाले बच्चों के साथ में, या फिर हाँ जो 2-2.5 मंथ के बच्चे हैं उनके साथ में रख देंगे इनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और लास्ट में जाते जाते आप फार्म वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए हम ये फार्म पे आ चुके हैं, तो फार्म पे आके हम देखिए ये अपने छोटे बच्चे हैं, और ये सब कुछ बड़े बच्चे भी हैं, और ये मुर्गा जो कि घर पे था पहले, अभी इसको इधर लेके आ चुका हूँ मैं फार्म पे, और अभी इनको खाने के लिए मैंने थोड़ा हरी घास वगैरह दी है, तो खा रहे हैं ये इजली। तो जो हम जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो मुर्गा आपको दिखा देता हूँ जो नया लेके आया है। मुर्गा नहीं है, पट्ठा ही समझिए, मतलब बच्चा ही है वो, एक बच्चा और एक बच्ची लेके आए हैं, तो इसमें ही है वो, प्योर देसी हरियाणा ब्रीड के हैं, अभी तो काफ़ी छोटे हैं। तो ये देखिए ये वाले वो हैं बच्चे, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है, आप देख सकते हैं इजली, अभी छोटे बच्चे हैं, काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अच्छी खासी हाइट है, अच्छे खासे लंबे हो गए हैं, और ये मुर्गी काली है, काली है इसलिए मेरे को पसंद है, इसलिए मैं लेके आया हूँ इसको। और मुर्गा देख लीजिए काफ़ी अच्छी हाइट है, काफ़ी दमदार बनेगा, अभी तो लगभग 7-8 महीने का है ये, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सही है, मुर्गी भी छोटी ही है अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, इतनी वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं खींच रहे हैं, और मुर्गे का आप अच्छे से देख लीजिए, अभी इसलिए बंद कर देते हैं, इनको दाना पानी डाल के बस